हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी का इंग्लिश का पेपर बहुत ही अच्छा गया। और इसी आशा के साथ अब हम देखने वाले हैं कि बोर्ड के अंदर जो मेरिट में आने वाले बच्चे हैं, जो टॉपर वाले टॉपर बच्चे हैं, वो अपने हिंदी का पेपर कैसे अटेंड करते हैं। तो आपको हिंदी के अंदर कैसी राइटिंग निकालनी है, कैसे आंसर को आपको प्रेजेंट करना है, चलिए इन आंसर शीट में देखते हैं। इसके अंदर एक ही वीडियो में मैं आपको चार बच्चों की आंसर शीट दिखाने वाला हूँ, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। चलिए इस लेक्चर को पूरा देखते हैं। तो यहाँ पर ये कॉपी है हिंदी की, 9 मार्च को जो कि एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर शनिवार को। तो चलिए पहले सवाल से लेते हैं। खंड क से बच्चे ने शुरुआत की थी, वर्तमान साहित्यकारों की संभावना नहीं। अब इसने पूरे सवाल को देखो, इसकी राइटिंग देखो, और सबसे बड़ी बात जो एग्जामिनर है वो एक एक लाइन को चेक कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप भी इस प्रकार से ये जो इन्होंने यहाँ पर जो ये डिजाइनिंग की है ऐसी डिजाइनिंग करें, लेकिन आपकी राइटिंग काफ़ी शानदार होनी चाहिए, जैसा कि इस आंसर शीट में अपन को दिख रहा है। फिर खंड ब लिख दिया बच्चे ने, ये देखिए प्रश्न नहीं उतारना है, आंसर लिखना है। जैसे भाषा और बोली में अंतर निम्न, कितना अच्छे से इसने आंसर दिया है। फिर भाषा के दो रूप निम्न है, लिखित रूप मौखिक रूप। तो इस प्रकार से आपको टू द पॉइंट लिखना है, मतलब जो रेलेवेंट है, जो संबंधित है, वही उत्तर लिखना है, न कि इधर उधर की फालतू की बातें लिखनी है, क्योंकि फालतू की बातों लिखने से कोई नंबर आने वाले नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, लक्षण सब शक्ति के बारे में बताओ, कारण बताओ, विरोधाभास अलंकार क्या है, वगैरह वगैरह। उसके बाद एलिजिबल गैजेट, देखो ये तो मैंने आपको एक वीडियो भी अभी मैंने बाय द वे एक वीडियो डाला है जिसके अंदर बताया गया है कि बोर्ड आपसे कैसे आंसर चाहता है। तो उस वीडियो को अभी आप जरूर देखें ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। मुकेश जी सर ने बहुत अच्छे से समझाया उसमें कि भाई बोर्ड आपसे कैसे आंसर चाहता है, वो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। अब यहां पर पूछा है एलिजिबल और गैजेट, मगर ये मैं कहूंगा कि आप इन स्पेलिंग्स के ऊपर मत जाए, क्योंकि भाई कितनी स्पेलिंग्स पढ़ो, कुछ भी आ सकती है सामने। आ गई तो ठीक है, अपना नहीं आया तो जय सियाराम। फिर गरुड़ को दावा महिमंडल में, अब इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या, आप लिखने का तरीका देखिए। सबसे बड़ी बात, हेडिंग दिख रही है, कहने का मतलब जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो महत्वपूर्ण दिख रहे, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, कितने अच्छे से ये राइटिंग पूरी दिख रही है। फिर विशेष को लिखा बालक ने, फिर देखिए यहाँ पर मुझे ज्ञात वगैरह, फिर इसका वापस संदर्भ प्रसंग। देखिए इन्होंने क्या किया, प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्यपुस्तक सर्जन में लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित निबंध बाजार दर्शन से उद्धृत है। कितनी शानदार राइटिंग में किताब का नाम भी आ गया, लेखक भी आ गए, फिर उसके बाद पाठ का नाम भी आ गया, सारी चीजें एक ही साथ, कितनी अच्छी राइटिंग में इन्होंने लिखी है। फिर व्याख्या देखिए, और सबसे बड़ी बात, टीचर जो है वो एक-एक लाइन को, आपके एक-एक लाइन को चेक किया जा रहा है। तो इसलिए आपको राइटिंग का बहुत ध्यान रखना है, शब्दों का बहुत ध्यान रखना है, और सबसे बड़ी बात व्याकरण की दृष्टिकोण से कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर व्याकरण की दृष्टिकोण से कोई भी गलती हुई, ये देखिए यहां पर, अब ये 1903 मतलब जो भी इसमें जो गलती है सीधा यहाँ पर गोला लग गया, और जैसे ही गोला लग गया मान के चलिए नंबर कट गया। अब ये देखो गोपाल दास नीरज, अब यहाँ पर नीरज में कोई इनको मिस्टेक है इसलिए यहाँ पर गोला लगा है। तो इस प्रकार से आपको अपने एक एक शब्द पर ध्यान देना है। अगर ध्यान किसको देना है भाई, जिनके 80 प्लस लाने हैं, जिनके 80 में से 75 प्लस मार्क्स लाने हैं, जिनके 95 वाली सीरीज में जाना है, उनको तो भाई ध्यान देना ही पड़ेगा। ये हुई पहली कॉपी पूरी, अब देखते हैं एक दूसरी कॉपी। तो चलिए अभी ये दूसरे बच्चे की हम कॉपी देख रहे हैं। अब देखो इसमें अगर आप एक चीज गौर करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि खंड क से ही कोई शुरुआत करे, इसने एक बालक ने खंड ख से शुरुआत की है, क्योंकि जो आपको सवाल सबसे पहले आता है, अच्छा आता है, पहले वो शुरुआत कीजिए। फिर भाषा के दो रूप, इसने बालक ने क्या लिखा, मौखिक रूप, इसमें व्यक्ति अपने विचार बोलकर प्रकट करता है, लिखित रूप, इसमें व्यक्ति अपने विचार लिखकर प्रकट करता है। लेकिन आपको कोई ये पंचायती करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने खाली क्या पूछा, भाषा के दो रूप बताइए, तो सीधा लिखिए मौखिक रूप, लिखित रूप, बात खत्म। उसके बाद अभी देखिए वाह में क्या वो पद परिचय वगैरह पूछा है, रोज का पूछा है, तो इन्होंने इस प्रकार से एक एक शब्द को बताया है। इस प्रकार से देखो ये वाली आंसर शीट को भी कितनी शानदार राइटिंग में बच्चे ने आंसर को लिखा है। तो आपको यहां पर यही गौर करना है कि कौन सी गलती हमको नहीं करनी। ये देखो किरण ने, ये शब्द गलत हो गया तो इस पे सीधा गोला लग गया। तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि राइटिंग कितनी शानदार है, उत्तर लिखने का तरीका देखिए कितनी खुली खुली राइटिंग है, देखिए शानदार नायिका के मन, मतलब एक एक शब्द अपन को यहाँ पर क्या हो रहा है समझ में आ रहा है। अब देखिए अफ्रीका, चरगा, ये देखो ये जो गलत वर्ड है उनकी वजह से भी नंबर कटने ही है। अब देखो यहाँ पर भी महाराजा सूरजमल, तो कैसी मस्त हेडिंग दी है, मतलब हेडिंग देने का तरीका, लिखने का तरीका, सबसे बड़ी बात तो यही तो है कि आप अपने आंसर को वहां पर जाकर पुट कैसे करते हैं, कैसे उस आंसर को अपने प्रेजेंट करते हैं। रिपोर्टांश की विशेषता, इसने वर्ड ही गलत लिख दिया, मतलब शब्द ही गलत लिख दिया रिपोर्टांश का। तो इस प्रकार से ये होती है दूसरी कॉपी आपके। और ये देखो ये क्या है, ये है लेटर, ये अधिसूचना। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा अपने आंसर को एग्जाम में लिखना है। आपको भी ऐसे ही, मतलब इससे भी शानदार राइटिंग निकालनी है, गलती होने का तो चांस ही पैदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होती है दूसरी कॉपी पूरी। अब एक तीसरी कॉपी देखते हैं हम। तो चलिए अब ये है तीसरी कॉपी। अब इस बालक ने भी देखो खंड ख से शुरुआत,
ये कॉपी है, तीसरी कॉपी अपन देखने वाले। इसने बालक ने भी क्या किया, खंड ख से शुरुआत की है। इसने कौन सा सवाल लिया बालक ने, तीसरा सवाल, भाषा और बोली में अंतर निम्नलिखित है, तो भाषा समझ आया। फिर उसके बाद भाषा के दो रूप, तो इन्होंने लिखा मौखिक रूप, लिखित रूप। अब देखो इन्होंने भी एक्सप्लेन किया, आपको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जितना पूछा है जितना नंबर है उतना ही लिखिए, फिर वाह वगैरह। तो इस प्रकार से देखो ये है तीसरी कॉपी, तो किस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं ये देखो। अब ये गलत वर्ड हो गया मुस्कान, अब ये गलत वर्ड होया तो सीधे इसके नंबर कटने ही वाले हैं, इसमें कोई चांस नहीं बनता है। तो अगर आप गलती करोगे तो नंबर जाने हैं। तो हिंदी में इन बातों का ध्यान रखें कि काट छाट ना करें, बिल्कुल भी गुंजाइश ना रखें, पहले समझे सोचे उसके बाद उसको कॉपी में लिखे। यूं नहीं कि सीधा दिमाग तो लगाया नहीं सीधा लिखने में रहे, फिर तो भाई नंबर भी अनाप शनाप ही आएंगे। अब हम देखने वाले हैं चौथी कॉपी, तो देखिए ये है अब चौथी आंसर शीट। इसमें बालक ने क्या किया, इसमें 10वीं से शुरुआत की, उसके अंदर कौन सा एक साहित्यकार का आदर्श है कि वह हमेशा कर्मशील रहे, साहित्यकार हमेशा पक्षपात से रहित तो होना चाहिए और वो अभिमानी नहीं होना चाहिए। मतलब ये पहले के अंदर अब जो दो पार्ट थे वो इन्होंने क्या किए, पूरे किए, उसके बाद इन्होंने एक एक सवाल को लिया है। तो इस प्रकार से ये आपके सामने दिख रही है अब चौथी कॉपी, ठीक है, चौथी आंसर शीट है। तो कैसे आंसर लिखे हैं आप बहुत ध्यान से देखिए, एक एक आंसर, मतलब कितनी शानदार राइटिंग है, कितनी साफ सुथरी राइटिंग है, मतलब गलती तो आपको मिल ही नहीं रही है। यही तो बात है मेरिट वाले बच्चों की, टॉपर बच्चों की यही तो विशेषता है, पहले समझते हैं सोचते हैं उसके बाद उत्तर लिखते हैं। और होशियारी क्या करते हैं, जो डॉट होशियारी होते हैं वो सीधा लिखने में रहते हैं, फिर बाद में देखते अरे यार ये तो इसका आंसर था ही नहीं, फिर उस पर चौकड़ी लगाते हैं, फिर वहां पर सीधी पेंटिंग शुरू, मतलब काट चाट करेंगे, फिर तो नंबर तो आने हैं ही नहीं, सीधी सी बात है। अभी इस बच्चे ने भी कहीं कहीं के ऊपर गलती की है, वो तो गलती तो भाई इंसान से होती है, लेकिन यूं नहीं कि आप बार बार गलती करो हर एक पेज पे, वहां पर आप गलतियां करके आओगे तो फिर आपके नंबर कटने ही हैं। अब देखो ये क्या है यहाँ पर, ये इन्होंने लिखा है निबंध, क्या लिखा है निबंध। तो इन्होंने निबंध किस टॉपिक के ऊपर लिखा था, अगर हम गौर करें तो इन्होंने निबंध लिखा स्वास्थ्य ही श्रेष्ठ धन है। तो उसको देखो लिखने का तरीका क्या है, रूपरेखा, उसमें क्या लिखा, प्रस्तावना, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य का महत्व, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव और उपसंहार। तो अब आपको पता ही है कि भाई 300 शब्द में लिखना है, तो आपको वर्ड की लिमिट को ध्यान में रखते हुए लिखना है। आप पहले इन्होंने लिखा प्रस्तावना, फिर स्वास्थ्य क्या है, इस प्रकार से इन्होंने पूरे निबंध को क्या किया, पूरा किया, और इस प्रकार से इनके पूरे नंबर आए होंगे। तो इस प्रकार से ये लेक्चर होता है पूरा, यहाँ इस चैनल के साथ बने रहे। आज आपको 1 बजे से पहले पहले व्याकरण के अंतर्गत जो शब्द शक्ति है और भी व्याकरण संबंधित जो ज्ञान है उसके रिलेटेड में एक वीडियो आएगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मुकेश जी सर ने बहुत अच्छे से उसमें समझाया है, तो आप इसी तरीके से इस चैनल को अपना प्यार देते रहे और आगे से आगे इन वीडियोस को फैलाते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपको कोई लगे कि और कोई अच्छा आपको सुझाव लग रहा है इस चैनल के संबंध में कि आप सर इसके वीडियो बनाइए, तो आप मुझे जरूर बताना, उन वीडियोस को भी मैं जरूर बनाऊंगा। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।